नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके वाला क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी आप करंट अफेयर लिए गए हैं वो सभी एग्जाम किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ये जितने भी क्वेश्चन है आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिविजन करने में मदद मिलेगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है, हर वर्ष 13 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है। एक बार और बता दू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेंगे। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किया, कहाँ क्या, तो मध्य प्रदेश के। अगला पॉइंट देखिए, मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की पूर्ण प्रसूता अपर्णा का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 जारी किया है नीति आयोग ने। अगला पॉइंट है, जस्टिस नालिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। अगला पॉइंट है, हॉलीवुड आइकन सैली डुगाल का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हॉलीवुड आइकन बुकुर्ना फासो ने समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है। अगला पॉइंट है, इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यू ब्रॉडकास्टर्स एवं एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रजत शर्मा को न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब हम देखने वाले 13 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अपूर्ण अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, तो उसका आरक्षण 10%। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 200 की विकेट और 6000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका राइट हो जाएगा बेन स्टोक्स। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, NERSEF किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ज्योति रादित्य एम सिंधिया। 4th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया, तो इसका राइट होगा नागालैंड। कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है नागालैंड को। तो दोस्तों, ये थे हमारा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।